नमस्कार, ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रंजना। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। ग्रैंड विजन हैथवे मल्टीनेट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड में लगातार केबल और लाखों सामान की हो रही चोरी, जिसे लेकर ग्रैंड न्यूज के स्टाफ ने सुपेला थाना में दर्ज कराई शिकायत। होली के मौके पर लोहे से भरी ट्रक की हुई चोरी, पुलिस ने ट्रक सहित तीन आरोपियों को लिया हिरासत में, वहीं आरोपी पंजाब के रहवासी बताया जा रहा। हजरत बाबा ताजुद्दीन औलिया रहमतुल्ला अलैह के 26वां उर्स मुबारक का किया गया आयोजन, भारी संख्या में बाबा के दरबार में लोगों ने मांगी दुआएं। गृह मंत्री के निवास में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया होली मिलन समारोह, जिसमें काफी संख्या में लोग उपस्थित रहे। गृह मंत्री ने सभी को शुभकामनाएं दी। ग्रैंड न्यूज में अब खबरें विस्तार से। ग्रैंड विजन हैथवे सीबीएन मल्टीनेट प्राइवेट लिमिटेड की लगातार केबल तार को काटकर लाखों के उपकरण की चोरी करने का मामला सुपेला थाने में दर्ज कराया गया। उल्लेखनीय है कि केबल तार की चोरी के मामले में पहले भी खूनी संघर्ष हो चुका है। तलवार व अस्त्र शस्त्र का खुलकर प्रदर्शन कर दहशतपूर्ण माहौल निर्मित करने की कोशिश की जा रही है। पुलिस यदि सख्ती के साथ कदम नहीं उठाती तो विषाक्त स्थिति निर्मित होने से रोका नहीं जा सकता। ग्रैंड विजन के प्रबंधक अमोल गरुड़ी ने सुपेला पुलिस थाने में मामला दर्ज कराते हुए बताया कि शॉर्क नेट के प्रबंधक दीपक पांडे पंडरी रायपुर निवासी के साथ अशोक शर्मा बोरसी दुर्ग निवासी, मिथिलेश सिंह पद्मनापुर अरुण दलई सेक्टर 10 मोसिर खान दुर्ग निवासी द्वारा सीबीएन मल्टीनेट प्राइवेट लिमिटेड का केबल तार पावर सप्लाई NODOLT की चोरी की गई है। अमोल गरुड़ी ने पुलिस को जानकारी दी है कि दीपक पांडे व अन्य ने 16 मार्च की रात 10 बजे केबल तार को काटकर चोरी कर लिया था। उसके बाद 18 मार्च को सुबह 7 बजे फिर वही चोरी की घटना को अंजाम दिए। सुपेला थाना प्रभारी नगर निरीक्षक सुरेश ध्रुव ने बताया कि शॉर्क नेट के दीपक पांडे व 5 अन्य के खिलाफ भारतीय दंड विधान की धारा 389-427-34 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। आरोपियों की पतासाजी की जा रही है। ग्रैंड न्यूज के लिए अतुल शर्मा के साथ निखिल कुमार पाठक की रिपोर्ट। जिले में होली के दिन 32 टन लोहे से भरी ट्रक चोरी हो गई। ट्रक मालिक को जब इसके बारे में पता चला तो उसने मामले की शिकायत भिलाई 3 पुलिस थाने में दर्ज कराई। पुलिस ने ट्रक सहित 3 आरोपियों को हिरासत में लिया। पुलिस के अनुसार सभी आरोपी पंजाब से भिलाई कुछ दिन पहले ही आए थे। पुरानी भिलाई थाना प्रभारी विनय सिंह बघेल ने बताया कि ट्रांसपोर्ट नगर हथखोज से एक ट्रक चोरी होने की शिकायत दर्ज कराई गई है। ट्रक मालिक अर्जुन प्रसाद सिंह 61 वर्ष MIG हाउसिंग बोर्ड इंडस्ट्रियल एरिया जामुल में रहता है। वह ट्रांसपोर्टिंग का कार्य करता है। उसने बताया कि उसकी स्वयं की कई गाड़ियां हैं, उनमें वह लोहा ट्रांसपोर्टिंग का कार्य करता है। 14 मार्च को वह अपने 18 चक्का ट्रेलर CG07AX8873 में 32 टन 760 किलोग्राम TMT लोहा, जिसकी कीमत 25,90,000 रुपए बताई जा रही है, लोड करवाया था। यह लोहा BSP प्लांट भिलाई से गौरी चक्र पटना बिहार के श्री श्याम सेल्स AV इस्पात लिमिटेड जाना था। 14 की रात लोहा लोड करने के बाद ड्राइवर ने ट्रेलर को पंजाब रोडवेज के पास पिंटू होटल के सामने ट्रांसपोर्ट नगर हथखोज में खड़ा कर दिया था। होली के बाद उसे माल लेकर निकलना था। अर्जुन सिंह ने गाड़ी की देखरेख की जिम्मेदारी अपने चालक अजय चौधरी को दी थी। पुरानी भिलाई पुलिस ने धारा 389 के तहत मामला दर्ज कर जाँच शुरू की और मुखबिर से सूचना मिली कि गुरवेल सिंह 28 वर्ष ग्राम डल्ला थाना काविया जिला गुरदासपुर, गुरप्रीत सिंह 35 दारीवाल थाना श्रीहरि गोविंदपुर जिला गुरदासपुर, अमृतपाल सिहलील परन थाना काविया गुरदासपुर पंजाब हाल मुकाम ट्रांसपोर्ट नगर हथखोज को गिरफ्तार कर लिया गया है। प्राप्ति अर्जुन प्रसाद निवासी जामुल के द्वारा कल दिनांक 18 को अपने ट्रेलर और साथ में उसमें लगे सरिया गिनती लगभग 43 लाख से ऊपर दर्ज कराई गई थी। मार्गदर्शन पर तत्परता से टीम ऑफिस से
आरोपियों का पता साझा किया गया। आरोपियों गुरुवेद सिंह ग्रैंड न्यूज के लिए हर्ष सोनी के साथ निखिल कुमार पाठक की रिपोर्ट। भिलाई जामुल की एक साइकिल दुकान में आग लग गई, जिससे दुकान में रखा 15 लाख का सामान जलकर खाक हो गया। भिलाई जामुल थाना के अंतर्गत 18 मार्च की देर रात ग्राम कोड़िया में साइकिल दुकान एवं फैंसी स्टोर में आग लग गई, जिसकी सूचना पर तत्काल दुर्ग अग्निशमन के 3 दल कर्मियों को रवाना किया गया। वहां पहुंचकर करीबन 5 गाड़ी पानी एवं फोम की सहायता से आग पर काबू पाया गया। दुकान में रखे करीबन 15 लाख का सामान जलकर राख हो गया। आग लगने का कारण अज्ञात माना जा रहा है। फिलहाल अग्निशमन कर्मी एवं नगर सैनिक जवानों की मदद से आग पर काबू पा लिया गया है। ग्रैंड न्यूज के लिए प्रशांत सिंह राजपूत के साथ निखिल कुमार पाठक की रिपोर्ट। गुरुवार को हजरत बाबा ताजुद्दीन औलिया रहमतुल्ला अलैह के 26वां उर्स मुबारक का आयोजन हुआ। इस दौरान शाही संदल में बाबा को मानने वाले भारी संख्या में उपस्थित हुए। उर्स मुबारक की इस घड़ी में शाही संदल का भिलाई क्षेत्र में भ्रमण हुआ। उसके बाद फातिहा खानी, नमाज जोहर, चादर पोशी के बाद आम लंगर हुआ। रात्रि 10 बजे से नागपुर के फनकारों द्वारा शमा महफिल हुआ। इस दौरान ताज दरबार के अध्यक्ष हज्जन ताजुन निशा ताजी, मोहतरमा कमरू निशा, खादिम अस्ताना मोहम्मद जाकिर शेख ताजी, मोहम्मद रोशन जमीर, मोहम्मद महीउद्दीन ताजी व वार्ड 30 की पार्षद सत्या देवी जायसवाल विशेष रूप से उपस्थित थी। आज का दिन बड़ा ही खास है, क्योंकि आज भिलाई शहर में ताज दरबार में बाबा ताजुद्दीन औलिया का शाही संदल बड़े धूम और हर्ष और उल्लास के साथ निकाला गया है। इसमें ताज दरबार की स्थापिका कमरुल निशा चौधरी, वाइफ ताजुद्दीन निशा चौधरी जो कि अध्यक्ष है ताज दरबार की, और मोहम्मद जाकिर शेख ताजी, और इस अपील से ये अपील करना चाहते हैं सबसे कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में इस उर्स में आए और बाबा सरकार के फैज से माला माल भिलाई वासियों को यही संदेश देना चाहते हैं और देश में अमन और सुकून के लिए दुआएं मांगी जाए। ग्रैंड न्यूज के लिए अतुल शर्मा के साथ निखिल कुमार पाठक की रिपोर्ट। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। मैं जब अपने बालों को कोम करती थी तो मेरे काफी ज्यादा बाल कोमिंग से टूट जाते थे, और सीजनल चेंजेस की वजह से डैंड्रफ भी होता था। फैमिली में भी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम थी। तब मुझे मेरी फ्रेंड ने वास्तु गुरु जी हेयर ऑयल सजेस्ट किया, जिसके सिर्फ 2 यूजेस बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी स्कैल्प क्लीन महसूस हो रही है, और सिर्फ 4 वॉशेस बाद ही मेरी हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट जड़ से खत्म हो गई। और इस ऑयल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये होममेड है, और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये वर्क करता है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। वर्तमान में दुर्ग भिलाई के सिनेमा घरों में द कश्मीर फाइल्स मूवी को लोगों के मनोरंजन के लिए लगाया गया है, लेकिन फिल्म की सच्चाई क्या है, किस वजह से लेकर यह फिल्म लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है, आखिरकार क्या है द कश्मीर फाइल्स की सच्चाई, आइए जानते हैं दुर्ग जिला भाजपा मीडिया प्रभारी के एस चौहान से। एक्चुअली कश्मीर की प्रॉब्लम अभी की नहीं है, ये बहुत पुरानी प्रॉब्लम, ये लगभग 4000 वर्ष पुरानी है। 2000 ईसा पूर्व यहाँ पर यहूदीज रहते थे, यहूदीज के वंशज हैं जिसे हम कश्मीरी पंडित के नाम से जानते हैं, वो यहाँ के मूल निवासी, और यहूदियों के पूर्वज थे हमारे ऋषि मुनि, जो कि बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट थे, इंटेलेक्चुअल लोग थे, उन्हीं के संचार के हिसाब से ये पूरा विश्व चलता था। होता क्या है कि जब युद्ध होता है तो युद्ध में ऊर्जा के स्रोत को पहले नष्ट किया जाता है, जैसे
खाद्यान्न के जो भंडार होते हैं वहां पर बमबारी की जाती है, एयरफोर्स में बमबारी की जाती है, जहां पर युद्ध के सामान रखे जाते हैं, जो हथियार रखे जाते हैं वहां पर बमबारी की जाती है, उस ऊर्जा के स्रोत को नष्ट कर दिया जाता है। वैसे ही पूरे ऊर्जा का स्रोत, हमारे अध्यात्म का हब, ऊर्जा का स्रोत हमारा है कश्मीर। जैसे कि पिक्चर में बताया गया है कि शंकराचार्य जी साउथ की तरफ से आए थे और दूसरे ऋषि मुनि और जगत से आए, तो मैं बता दूं आपको कि सिर्फ हिंदुस्तान से नहीं, पूरे विश्व से जितने भी इंटेलेक्चुअल लोग थे, जितने भी जो आध्यात्म के लिए बहुत ज्यादा रुचि रखते थे, वो लोग सब लोग हमारे कश्मीर में आते थे यहाँ पर जप तप और ध्यान करने के लिए। इसीलिए हमारे को बचपन में बोला जाता था कि ध्यान करने हिमालय जा रहे हो क्या। और यहीं पर दर्शन शास्त्र भी के अधिकतर पुस्तकें जो लिखी गई हैं वो यहीं पर लिखी गई हैं। 90% दर्शन शास्त्र यहीं से हुआ है। चार सब्जेक्ट हमारे होते हैं, एक होता है भाषा, गणित, संज्ञान और दर्शन। दर्शन शास्त्र सबका लीडर है। चार सब्जेक्ट के लिए और पांचों कोई सब्जेक्ट नहीं होता, बाकी सब उनकी शाखाएं हैं। तो दर्शन शास्त्र को मिटाने के लिए जो विदेशी आक्रांताएं आई, तो उन्होंने देखा कि इनका पावर क्या है। तो इनका पावर, जो हिंदुस्तानियों का पावर था, वो था यहाँ के ग्रंथ, दर्शन शास्त्र। तो उनके हजारों ग्रंथों, हमारे हजारों ग्रंथों को जला दिया गया। और उन्होंने ये देखा कि यहाँ इसका ऊर्जा का स्रोत कौन सा है, तो वो था कश्मीर, जहां से बैठ के ये ग्रंथ लिखे गए थे। तो उसको विवादित कर दिया गया, उसको उजाड़ दिया गया। लेकिन अब जब ये समय आ चुका है कि वो फिर से बसेगा और यहीं से पूरे विश्व की संसद चलेगी, जो कि पहले भी चलती थी आज से 4,000-5,000 वर्ष पहले। तो आपने टीवी में देखा भी होगा कि सरस्वती मंदिर वहां पर मिला है, जो पीओके के लाइन में, वो एक्चुअल में वो यूनिवर्सिटी थी जहां से कई साइंटिस्ट निकले थे और दूसरे लोग निकले थे, जिन्होंने पूरे विश्व में फैल के विश्व का भला किया था। ये कश्मीर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, न कि सिर्फ हिंदुस्तान के लिए बल्कि पूरे विश्व के लिए। और विदेशी आक्रांताओं का एक ये भी उद्देश्य था कि विश्व गुरु बनने से इसे रोका जाए, हिंदुस्तान को, अगर ये कश्मीर को यूज करते हैं तो विश्व गुरु बन सकते हैं। अब वो समय आ चुका है, 2025 तक ये होगा नहीं और 2025 के बाद ये रुकेगा नहीं। कोरोना काल के बाद ट्विन सिटी में होली का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। होली पर्व की खुशियां ढोल नगाड़ों के बीच मनाई गई। इसी के तहत गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू के गृह निवास बोरसी में भी होली का पर्व मनाया गया, जिसमें मुख्य रूप से गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू व महापौर धीरज बाकलीवाल शामिल हुए और शहरवासियों को होली की बधाइयां दी। दुर्ग भिलाई में रंगों का त्योहार होली हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। आपको बता दें कि पिछले 2 वर्षों से कोरोना के चलते होली के साथ साथ अन्य त्योहारों में भी कई प्रकार के प्रतिबंध लगा दिए गए थे, परंतु इस बार स्थिति सामान्य होने के कारण किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया और आम जनता के साथ मंत्री से लेकर बड़े नेता तक हर किसी ने जमकर होली मनाई। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू एवं दुर्ग महापौर धीरज बाकलीवाल ने होली के पर्व को लेकर सभी को बधाइयां दी व अपनी प्रतिक्रिया कुछ इस तरह से दी। होली का पावन पर्व हर्षोल्लास रंगों का त्यौहार होता है। पहले दिन होलिका दहन का कार्यक्रम होता है। होलिका बुराइयों की प्रतीक रही है। इस अवसर पर अपनी बुराइयों को जलाने का संकेत भी हमको मिलता है और दूसरे दिन जब बुराइयां जला लेते हैं तो दूसरे दिन हर्षोल्लास के वातावरण में रंग गुलाल त्यौहार होता है। जनता को यही कहना चाहूँगा कि इसमें पानी भी बचाएं, केमिकल से भी बचाएं, पर्यावरण को भी बचाएं, नशे से दूर रहें, आपस में भाईचारा सद्भाव का वातावरण भी बनाएं और सब आपस में अच्छा वातावरण बना करके इस रंग गुलाल के त्यौहार को मनाएं, यही बधा कहना चाहता हूं और सबको बधाई भी देना चाहता हूं। सभी प्रदेशवासियों को, शहरवासियों को मैं होली की बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। होली के रंगों के समान सभी के जीवन में खुशियां बढ़ती रहे और सभी का जीवन सुखमय हो, आनंदमय है और निरोगी रहे, मैं यही कामना करता हूं। फिलहाल अबीर, गुलाल, भांग और नगाड़े की थाप के बीच पर्व की खुशियां सभी ने मिलकर मनाई और होली में जमकर धमाल भी किया।
ग्रैंड न्यूज के लिए दुर्ग से वीना दुबे की रिपोर्ट। स्टील सिटी प्रेस क्लब भिलाई द्वारा आकाशगंगा प्रेस परिसर में होली मिलन का आयोजन किया गया। महापौर के मुख्य आतिथ्य में होलिका दहन हुआ। उसके बाद प्रेस क्लब के अध्यक्ष ने सभी अतिथियों को टोपी पहनाकर स्वागत किया। 5 घंटे तक चले कार्यक्रम में राजनीतिज्ञ, सामाजिक कार्यकर्ता, पुलिस के अधिकारी व वरिष्ठ पत्रकार शामिल हुए। होली मिलन समारोह में स्वागत भाषण देते हुए आनंद ओझा ने कहा कि कोरोना काल में 2 वर्षों तक होली मिलन का आयोजन संभव नहीं हो पाया था। अब कोरोना के कमजोर होते ही क्लब व छत्तीसगढ़ जर्नलिस्ट यूनियन के तत्वाधान में आयोजन किया जाना संभव हुआ। अपने मुख्य आतिथ्य उद्बोधन में नगर पालिक निगम के महापौर नीरज पाल ने कहा कि होली का यह पर्व आपसी सौहार्द को बढ़ाता है, भिलाई में सामाजिक एकजुटता का परिचय मिलता है। उन्होंने एक एक पत्रकार को गुलाल का तिलक लगाया। महापौर परिषद के एकांश बंछोर तेवेश, वरिष्ठ पत्रकार शिव श्रीवास्तव ने आयोजन के लिए स्टील सिटी प्रेस क्लब की सराहना की। इस दौरान कुमार योगेश, गौतम सिंह ठाकुर, ईश्वर दुबे, अनिल साखरे, इंद्रजीत छोटू, नगर निरीक्षक विशाल सोन सहित अन्य पत्रकार विशेष रूप से उपस्थित थे। संचालन मिथिलेश सिंह ठाकुर ने किया। फाग गीत के मध्य सामूहिक भोज में पत्रकार शामिल हुए। ग्रैंड न्यूज के लिए वीना दुबे के साथ निखिल कुमार पाठक की रिपोर्ट। ग्राम जोरा तराई व डुंडेरा जाने वाले मुख्य मार्ग के किनारे बना अहाता यहां से गुजरने वाले लोगों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। इस मार्ग की चौड़ाई लगभग 3 मीटर से भी कम है। वही शराब पीने वालों का जमावड़ा लगा रहता है, जो मार्ग से गुजरने वाले बच्चों और महिलाओं से दुर्व्यवहार भी करते हुए नजर आते हैं। ग्राम जोरा तराई व डुंडेरा जाने वाले मुख्य मार्ग वाला मुख्य मार्ग की चौड़ाई 3 मीटर से भी कम होने और मार्ग के किनारे शराब दुकान होने से यहां से आने जाने वाले लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसी मार्ग से बीएसपी के कर्मचारी भी काफी संख्या में गुजरते हैं। मुख्य मार्ग होने की वजह से स्कूल, कॉलेज आदि स्थानों पर जाने के लिए लोगों को इसी मार्ग से गुजरना पड़ता है। सड़क किनारे शराब दुकान होने की वजह से सड़क पर शराब पीने वालों का जमावड़ा लगा रहता है, जो कि आपस में गाली गलौज तो करते ही हैं, साथ ही यहां से गुजरने वाले बच्चों खासकर महिलाओं से अभद्रता से पेश आते हैं। अहाता को स्थानांतरित करने के लिए वार्ड 37 के पार्षद जोरा तराई हरीश चंद द्वारा आबकारी विभाग व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू को बार बार आवेदन भी दिया जा चुका है, लेकिन इस बाबत अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। पार्षद हरीश चंद की मांग है कि शराब दुकान को किसी अन्य स्थान पर स्थानांतरित कर दिया जाए, जिससे कि लोगों की समस्या का निवारण भी होगा और राजस्व भी बना रहेगा। ग्रैंड न्यूज के लिए पूजा इंदौरिया की रिपोर्ट। ग्रैंड न्यूज की बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।